नमस्कार, आप देख रहे हैं कमिंग अप न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें। ये पंचकोशी यात्रा जो है अवंतिका नगरी की परिक्रमा है। ये 118 किलोमीटर से अधिक है, ये वैसे 150 किलोमीटर पूरी, क्योंकि इसमें एक छोटी पंचकोशी यात्रा भी होती है जो अष्ट तीर्थ यात्रा कहलाती है, जो 14 के दिन नाइट में होगी, जो अमावस को पूर्ण होगी। तो ये यात्रा अनादिकाल से चली आ रही, वैशाख महीने में होती है। वैशाख महीने की जो दसवीं होती है, जो तिथियों के हिसाब से यात्रा प्रारंभ होती है, दसवीं को यहाँ बल लेते हैं यात्री लोग, वो 11, 12, 13, 14 ऐसे 14 के दिन उज्जैन प्रवेश करते हैं, अमावस्या को नहान होता है यहाँ पे। इस बार शनिचरी अमावस का विशेष योग है, तो ये महायोग इस बार पंचकोशी यात्रा का बना है। तो करीब करीब ये जनता 50,000 जनता एक दिन पहले ही निकल गई है, वैसे तिथियों से यात्रा होती है ये, आज भी जनता जा रही है, दसवीं तिथि आज। ये नागचंद्रेश्वर मंदिर है, यहाँ पे इनको बलदेव महाराज का भी है, बल देने वाले शक्ति, अश्व शक्ति देने वाले। तो यहाँ पर ऐसे मान्यता है कि श्रीफल चढ़ा के बल प्राप्त करके यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो वो घोड़ेसरी की शक्ति आ जाती है, अश्व बल भक्तों में आ जाता है। वो घोड़ेसरी की दौड़ लगाते हुए वो 150 किलोमीटर मामूली रूप से यात्रा कर लेते हैं और बड़े प्रसन्न होकर आते हैं। और फिर मिट्टी का एक घोड़ा होता है, वो यात्रा के जो समापन होगा तो भक्तों को एक एक अपना प्रतीक रूप में वो मिट्टी का घोड़ा चढ़ाना होता है, बल वापस लौटाना होता है। ये यात्रा तो क्या है कि उज्जैन नगरी एक अवंतिका नगरी, 33 करोड़ देवता वास करते हैं, ऐसी मान्यता है। तो संभव नहीं है कि मनुष्य जीवन में ये दर्शन लाभ ले ले सभी दूर जाए। तो ये परिक्रमा करने से सारे देवी देवता की वो दर्शन लाभ का वो मिलता है। अनादिकाल से यात्रा है, तो देवी देवताओं के समय से ऐसा भी कहावत है कि किसी मनुष्य द्वारा जो शिव जी के जलाधारी जो है लांग लेता हो तो उसको दोष लगता है, तो वो यहाँ दर्शन मात्र से वो शिव जी उसका जो दोष निवारण होता है।